अस्सलाम वालेकुम, रेसिपी कैट्स में खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी कि आप जो है वो किस तरह से करेलों के चिप्स बना सकते हैं घर में आसानी से। तो इस रेसिपी को आपने एंड तक ज़रूर देखना है। तो आपने रेसिपी के लिए सबसे पहले क्या करना है, आपने ले लेने हैं करेले। करेले आप फ्रेश करेले ले लीजिएगा, उनको अच्छे से वॉश करके पहले अच्छे से धो लेना। धो लेने के बाद आपने क्या करना है, आपने इसको इस तरह से राउंड शेप में कट कर लेना है। राउंड शेप में आप कट करेंगे, पतला पतला कट करेंगे, जिस तरह के चिप्स बनाए जाते हैं। पतले पतले चिप्स अपने बनाने हैं, मोटा मोटा नहीं रखना है आपने, उनकी जिस तरह से कटिंग कर लेनी है। सारे के सारे जितने थे वो मैंने 4 अदद जो है वो करेले लिए थे, तकरीबन मैंने 1/2 kg के करीब जो है वो करेले लिए। उसके बाद इस तरह से इनके सीड्स जो है वो निकाल लेने हैं, रिमूव कर लीजिएगा आप। इस तरह से सारे के सारे सीड्स इनके रिमूव कर लेने हैं अच्छे से। जो है वो इस तरह से जो है राउंड शेप के जो है आप चिप्स रेडी करेंगे। इतने मज़ेदार होंगे गाइस कि आप जो है इसको आप एज अ स्नैक खा सकते हैं। तो आपने जिस तरह की रेसिपी नहीं देखी होगी, इसकी कड़वाहट भी नहीं होगी गाइस। लोग कहते हैं कि भाई कड़वा आता है करेला खाने में, तो जिस रेसिपी को मैं बनाने जा रही हूँ इससे जो है बिल्कुल कड़वाहट खत्म हो जाएगी। सारे के सारे जो थे मैंने इस तरह से उनके बीच निकाल लिए, और सारे सारे जिस तरह से मैंने आपको दिखाया था उसी तरह से आपने जो है बारीक बारीक इस तरह से कट कर लेना है। आपने जो है वो मैंने 4 अदद लिए थे, 1/2 kg की रेसिपी है, तो आपने 1/2 kg के हिसाब से जो है वो इसी तरह से बनाना है। और उसके अंदर जो जो चीज़ें आएंगी वो आप एज इट इज़ देख दीजिएगा। सो जो है सारे के सारे बीज निकाल लेने हैं आपने गाइस। और फिर जो है आपने इसको जो है वो तकरीबन आपने इसको पहले वॉश कर लीजिएगा, उसके वॉश करने के बाद जो है फिर कट करके पतला पतला कट कीजिएगा। और उसके बाद क्या करना है, आपने एक तेल गर्म करना है एक जो है वो किसी भी पैन के अंदर। उसके बाद इस सारे के सारे जितने भी थे करेले इसके अंदर डालकर आपने जो है इसको तेज़ आंच पर पहले 3 से 4 मिनट आपने जो है वो तेज़ आंच पर आपने जो है वो इसको फ्राई करना है। उसके बाद इसके अंदर थोड़ी सी हल्दी डालनी है, आपने 1 teaspoon इसके अंदर टर्मेरिक पाउडर हल्दी डाल दी। उसके साथ सॉल्ट ऐड किया 1/2 teaspoon, आधा चाय का चमचा नमक और आधा चाय का चमचा या 1 teaspoon या आधा छोटा चाय छोटा यानी बड़ा चमचा होगा तो आपने जो है वो बड़ा चमचे में से आधा चमचा जो है वो आपने हल्दी और नमक दो चीज़ें डालकर आपने इसको पहले तेज़ आंच पर उसके बाद जो है लो फ्लेम कर दिए, लो टू मीडियम आप कर दीजिएगा। और इस पर आपने जो है मुसलसल चमचा हिलाते हुए आपने इसको जो है वो हिलाते हुए ताकि नीचे से लग ना जाए, जल ना जाए। ये देखें सॉफ्ट हो गए, कलर इनका चेंज होना स्टार्ट हो गया है। तो आपने जो है इस तरह से लो फ्लेम पर इनको पकाना है। फिर उसके बाद जो है देख सकते हैं आप किस तरह से सॉफ्ट हो रहे हैं गाइस, ये कड़वे नहीं होंगे, मैंने आपको जिस मेथड से आपको बता रही हूँ। अब आपने इसको ढक्कन लगाकर जो है ना ढककर भी पका सकते हैं, ये देख सकते हैं कलर इनका चेंज हुआ, ढक के भी पका सकते हैं। पहले याद रहे कि आपने 3 से 4 मिनट आपने जो है फुल आंच करके उसके बाद उस पर आपने इसको थोड़ा सा रोस्ट करना है। जैसे इसका कलर जो है वो थोड़ा सा जो है चेंज होगा तो फिर आपने बिल्कुल लो फ्लेम पर इसको जो है कुक करना है। इसी मेथड से बनाएंगे, और याद रहे कि आपने थोड़ा सा तेल ज़्यादा लेना है जब भी फ्राई करेंगे। सरसों का तेल लेंगे तो बहुत बेस्ट है, सरसों के तेल में जो है ये ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे। तो मैंने सरसों का ऑयल लिया था। सो मैंने देख सकते हैं आप ये मैंने तकरीबन जो है 10 मिनट इसको अच्छे से जो मैंने रोस्ट किया। उसके बाद जो है अब आप देख सकते हैं ये बिल्कुल जो है इस तरह की शेप में यानी इस तरह का कलर चेंज कर चुके हैं। तो जैसे इसका कलर चेंज हुआ ठीक है, इस तरह से लाइट गोल्डन हो चुके हैं, जलाना नहीं है, लाइट गोल्डन कलर के होंगे। तो आप इसको जो है वो पहले किसी पेपर पर निकाल कर ताकि इनका एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए, उसके बाद किसी सर्विंग प्लेट में डालेंगे। उसके बाद अब आपने जो है इनको खाना है। खाने के लिए ये बहुत सॉफ्ट बने, इतने मज़े क्रंची थे गाइस, इतने एकदम जो है। इसके ऊपर आपने जो चाट मसाला ऐड करना है, चाट मसाला जो है अब इसके ऊपर ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून के करीब। मैंने इस पर चाट मसाला अच्छे से छिड़क दिया, चाट मसाला छिड़केंगे साथ में आप इसके जो है इसके साथ कोई से भी जो है वो चाट मसाला ना हो तो आप जो है इस पर आप चाट मसाला स्किप कर सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल मज़ेदार बिल्कुल चिप्स की तरह होंगे। साथ में लीमू का रस जो है 1 अदद लेमन था वो इसके ऊपर स्क्वीज़ कर देंगे। लेमन का रस डालिएगा, चाट मसाला डालिएगा, साथ में जो है कुछ जो है आपने कटे हुए जो प्याज हैं वो ऐड कर देने हैं इसके ऊपर, कटे हुए प्याज। एक मज़ेदार चिप्स होंगे जो आप दिन में इसको खा सकते हैं। और जो है इसके साथ साथ जो है आप इसमें सब्ज़ मिर्चें भी ऐड कर सकते हैं, सब्ज़ मिर्चों से जो है वो और ज़्यादा मज़े के हो जाएंगे ये। तो गाइस आपने सब्ज़ मिर्चें भी ऐड कर देनी है, सब्ज़ मिर्चें ऐड कर दी। तो ये तमाम चीज़ें ऐड करके आपने बग़ैर मसाला बनाए हुए, कोई मसाला बनाए हुए बिल्कुल सी कड़वाहट नहीं होगी, एकदम जो क्रंची मज़ेदार क्रिस्पी हैं ये गाइस, इतने क्रिस्पी हैं कि आपको कड़क सा इसकी फीलिंग आएगी जैसे आप इसको खाएंगे, और कड़वाहट भी नहीं है गाइस। क्योंकि जिस मेथड से मैंने बताया किस तरह से आपने फ्लेम तेज़ करनी है, कब आहिस्ता करनी है, तो आपके जो करेला है और तेल जो है वो सरसों के तेल में बनाएंगे, तो आपके जो करेले हैं उनकी करवाहट भी चली जाएगी और करेला एकदम कड़क बनेगा। और मज़ेदार जो करेले के चिप्स हैं इसको ज़रूर इन्जॉय करना है अपने, और फीडबैक मुझे ज़रूर दिया करें गाइस।
और कमेंट सेक्शन में कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछा करें, ताकि मैं उसका जो आंसर आपको दे सकूं। तो आपने इसको ट्राई ज़रूर करना है गाइस, बिल्कुल इसी मेथड से लो और मीडियम फ्लेम पर आपने इसको पकाना है, और पहले जो है तेज़ आंच पे पकाना है। रेसिपी पसंद आई हो तो अभी रेसिपी कर इसकी रेसिपीज़ को फॉलो करना है आपने, लाइक का बटन दबा दें, सब्सक्राइब भी कर लें और शेयर भी अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ ज़रूर कीजिएगा गाइस। और याद रहे कि आपने जो है इसको बगैर मसाला, देखें कोई मसाला मैंने बनाया नहीं है, सिर्फ चाट मसाला और सब्ज़ मिर्चें ऊपर से लेमन स्क्वीज़ करके, तो आपके साथ शेयर की वीडियो तो आप पसंद आई हो तो एंड तक के लिए टेक केयर।